एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां हजार सालों से नाग देवता का वास है और भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं इस मंदिर के दर्शन। हमारे देश में नागों के कई मंदिर हैं, जिनमें से एक उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर है, जहां विदेशों से भक्त दर्शन करने आते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान नाग देवता साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन देते हैं। साल 2018 की नाग पंचमी 15 अगस्त को रही और इस दिन भी भगवान नाग चंद्रेश्वर के मंदिर में देश विदेश से भक्त दर्शन करने पहुंचे थे और उन्हें भी नाग चंद्रेश्वर ने अपने दर्शन दिए थे। 11वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालु नाग चंद्रेश्वर मंदिर में आते हैं। मंदिर में फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठी मुद्रा में दर्शन देते हैं। महंत रामेश्वर दास महाराज बताते हैं कि नाग पंचमी पर इस प्रतिमा के दर्शन के बाद श्रद्धालु नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। इस मंदिर की मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन स्वयं नाग देवता दर्शन देते हैं। इस मंदिर में साल में एक ही बार दर्शन देने आते हैं नाग देवता और जो भी इनके दर्शन कर लेता है वह भाग्यशाली माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर को लेकर प्रशासन चिंतित। साल में एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर के तल को वैज्ञानिकों ने नाजुक करार दिया है, जबकि नाग चंद्रेश्वर पर लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं। अब प्रशासन यह दर्शन करने के लिए कुछ नए तरीके तलाश रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के शिखर के दूसरे माले पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी पर दर्शन के लिए खुलता है। नाग पंचमी पर जब पट खुलते हैं तो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, जिसको लेकर प्रशासन की खासी व्यवस्था करता है। लेकिन हाल ही में जब महाकाल मंदिर की बिल्डिंग की स्थिति की जांच विशेषज्ञों की टीम द्वारा की गई, तो उनके द्वारा नाग चंद्रेश्वर मंदिर की माले को काफी कमजोर बताया गया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद अब मंदिर समिति एक बार दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए कुछ नए विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको इस खास मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।